स्टूडेंट वेलकम टू एस वी ऑनलाइन क्लासेज। एस वी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी प्रभा में लेसन फोर डाकू बना संत इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को कंप्लीट पढ़ लिया था, मतलब पाठ के बारे में हमने जान लिया था कि कैसे डाकू अंगुलीमाल एक क्रूर निर्दयी था। वह लोगों को मार देता था और उनकी एक अंगुली काट कर उसकी माला में पिरोकर अपने गले में डाल लेता था। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध उनसे मिलते हैं, महात्मा बुद्ध मिलने के बाद और महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर वह डाकू जो होता है वो उस पापक्रम को छोड़ देता है और वो एक साधु या साधु बन जाता है, अर्थात वो एक बहुत बड़ा संत बन जाता है। कहने का अर्थात यही है कि अच्छे लोगों की संगति में रहने पर मनुष्य के हृदय में परिवर्तन हो जाता है और वो सही रास्ते पर चलने लग जाता है, यही इस पाठ में बताया गया था। तो पिछले पाठ में हमने इस पाठ को पूरा पढ़ लिया था। ये महात्मा बुद्ध है और ये डाकू अंगुलीमाल का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस पाठ के पिछली वीडियो में इसके शब्दार्थ भी हमने पूरे किए थे, तो सभी बच्चों ने शब्दार्थ पूरे कर लिए होंगे और इस पाठ को भी पढ़ा होगा। काफ़ी अच्छा पाठ है। आज हम इससे आगे इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं आओ अभ्यास करें, इस पर चर्चा करेंगे, इसको करवाते हैं। फर्स्ट नंबर फर्स्ट मौखिक दिया हुआ है, मौखिक के अंदर फर्स्ट है उच्चारण कीजिए। इसका उच्चारण करना है अर्थात इसको बोलना है और इसके भी कॉपी में भी लिखना है, जैसे कृपाण कृपाण। दूसरा है प्रसेनचित और अज्ञानवश। कृपाण का मतलब होता है तलवार, प्रसेनचित नाम है महाराज का उसका, अज्ञानवश जानकारी के अभाव में, दैत्य राक्षस, निर्दयी दयाहीन, आत्मग्लानी दुख का अनुभव करना, दृष्टि नज़र, दयालु, उद्धार कल्याण, अंगुलीमान का डाकू, दुष्ट बुरा व्यक्ति, शिष्य चेला, निर्दयता पूर्वक, दया से रहित, हृदय चित्त मन, उपदेश देना। तो ये इन शब्दों का आपको उच्चारण करने हैं, इनका सिर्फ उच्चारण करना है, इनका किसी प्रकार से आपको कोई अर्थ नहीं लिखना है, सिर्फ उच्चारण करते हुए आपको इस कॉपी में इसको राइट करने हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू, सोच समझ कर बताना है। दो नंबर क्वेश्चन है और इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं क ख ग है, चार दे रखे हैं। तो पहले का है कौशल राज्य की राजधानी का क्या नाम था। कौशल राज्य की राजधानी का क्या नाम था।
श्रावस्ती, श्रा सह श्रवण वाला है उसको आ की मात्रा, फिर वह सह सिलेट वाला सह आता, ती श्रावस्ती, श्रावस्ती उस कौशल राज्य की राजधानी थी, उसके बाद हैं कौशल के महाराज किसके भगत थे, महात्मा बुद्ध के, कौशल के महाराज किसके भगत थे, महात्मा बुद्ध के, कौशल के महाराज महात्मा बुद्ध के भगत थे। अंगुलीमान कौन था, एक भयंकर डाकू था अंगुलीमान, एक भयंकर डाकू था जो लोगों को मार देता था और उनकी हाथ की अंगुली काटकर उसे माला में पिरोकर अपने गले में डाल लेता था, तो एक प्रकार से भयंकर डाकू था। अंगुली माल क्या काटकर अपनी माला में पिरो लेता था, एक अंगुली काटकर भी, एक अंगुली को काटकर उसे अपनी माला में पिरोकर गले में डाल लेता था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोच समझ के बताइए। अब कौशल राज्य की राजधानी का क्या नाम था, श्रावस्ती। कौशल के महाराज किसके भगत थे, महात्मा बुद्ध के। अंगुली माल कौन था, एक भयंकर डाकू। और अंगुली माल क्या काटकर अपनी माला में पिरो लेता था, एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था। अब लिखित के अंदर फर्स्ट सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है, सही जो विकल्प है उसके सामने आपने सही का चिन्ह लगाना है, दो गलत है उस पर आपने कुछ नहीं लगाना, सही वाला चाड़ना है। महात्मा बुद्ध की करुणा एवं प्रेम को देखकर अंगुलीमाल अवाक रह गया। महात्मा बुद्ध की करुणा एवं प्रेम को देखकर अंगुलीमाल अवाक रह गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध के शब्दों का उस पर जादू सा प्रभाव हुआ। उसे महात्मा बुद्ध से इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं थी। गैर नंबर में वह उनके व्यवहार को समझ नहीं सका। तो कह में महात्मा बुद्ध के शब्दों का उस पर जादू सा प्रभाव हुआ, खै में उसे महात्मा बुद्ध से इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं थी, और स में वह उनके व्यवहार को समझ नहीं सका। तो इन तीनों में सही जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। ए के सामने सही वाला ऑप्शन है ए, कि महात्मा बुद्ध के शब्दों का उस पर जादू सा प्रभाव हुआ। ये महात्मा बुद्ध जी उसे मिलने का, अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय करते हैं और वो घने जंगल में जा रहे होते हैं और बिना डरे हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तो पीछे से आवाज़ आती है, उसको बार बार पुकारता है, लेकिन वो चले जाते हैं, डरते नहीं हैं, बिना डर के ही चले आगे बढ़े जा रहे होते हैं। तो महात्मा और उसकी निडरता को देखकर, उनके शब्दों को सुनकर और अंगुलीमाल उनसे प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उनकी बातों को सुनकर महात्मा बुद्ध भी, अंगुलीमाल के महात्मा बुद्ध के शब्दों का जादू सा प्रभाव पड़ता है, जैसे बोलता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसकी बातों से उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। महात्मा बुद्ध के बातों से अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें सही होगा ए, महात्मा बुद्ध के शब्दों का उस पर जादू सा प्रभाव हुआ। दूसरा है, गांव वालों ने महात्मा बुद्ध को जंगल में जाने से क्यों रोका, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अंगुलीमाल उनकी हत्या न कर दे, वहाँ जंगली जानवर रहते थे, उन्हें डर था कि महात्मा बुद्ध रास्ता न भटक जाए। तो इसका सही आंसर होगा ए, उन्हें डर था कि कहीं अंगुलीमाल उनकी हत्या न कर दे। गांव वालों को यह डर था कि कहीं अंगुलीमाल जो डाकू है, जो भयंकर डाकू था, वो उनकी हत्या न कर दे, इसलिए वो उसको जंगल में जाने से, महात्मा बुद्ध को जंगल में जाने से रोक रहे थे। तो ए होगा इसका भी, उन्हें डर था कि कहीं अंगुलीमाल उनकी हत्या न कर दे। तो ये तो हो गया सही टिक वाला, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब इसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द चुनकर, शब्द दे रखे हैं जो आपकी पीली सी कलर की एक मंजूसा बनी हुई है,
शब्दकोश पेटी बनी हुई है, उसमें शब्द दिए रखें, उन शब्दों से चुनकर हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। और मैंने आपके लिए उन शब्दों के ऊपर नंबर डाल दिए हैं, कै के लिए खै, कै गै और गै, जो शब्द आएगा वो मैंने ऊपर लिख दिए, वो आपको यहाँ पे फिलअप करने, अपनी कॉपी में इसको करने हैं। फिलअप करने के बाद में आपको उस फिलअप के जो जिस सही आंसर के आपने उसके नीचे आपने पेंसिल से अंडरलाइन करनी है, ताकि फिलअप का हमें आसानी से पता चल जाए। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है यानी रिक्त स्थान या फिलअप डैश डैश ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। पहले में फिलअप दिया हुआ है भी उस पर डाली, किस पर डाली, महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। तो पहले में आएगा महात्मा बुद्ध, कह के फिलअप में आएगा महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। अब दूसरा है, फिर शुरुआत में फिलअप दिया हुआ है, मैं भटक गया था, अज्ञानवश मैं भटक गया था। जैसे ही उसकी बातों से प्रभावित अंगुलीमाल प्रभावित हो जाता है, तब वो कहता है कि मैं अज्ञानवश यानी जानकारी के अभाव में मैं अपना रास्ता भूल गया था, यानी अर्थात मैं अपना रास्ता भटक गया था। अब आपसे मिलने पर आपके प्रेम भरे व स्नेह भरी बातें सुनकर मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है और मुझे सही रास्ते का ज्ञान मालूम हो गया। तो पहले फिल्म में तो आ गया महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। दूसरे में आ गया अज्ञानवश, अज्ञानवश मैं भटक गया था। अब गया नंबर, कौशल के महाराज डैश 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 बुद्ध के परम भक्त थे। तो कौशल के महाराज कौन थे, प्रसेनचित, प्रसेनचित महात्मा बुद्ध के परम भक्त थे। प्रसेन कौशल के महाराज प्रसेनजित, प्रसेनजित बुद्ध के परम भक्त थे। उसके बाद में घै, अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटने के साथ साथ डैश 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 उनकी हत्या भी कर देता था। किस प्रकार हत्या करता था, निर्दयता पूर्वक यानी क्रूरता पूर्वक उनकी हत्या कर देता था और उन्हें मार भी देता था, और उनकी मारने के बाद उसकी हाथ की अंगुली काट कर, अंगुली को काट कर अपनी माला में पिरो लेता था। तो निर्दयता पूर्वक बहुत ही मतलब बुरी तरीके से उनको वो मार देता था। अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटने के साथ साथ इसके फिलअप में आएगा निर्दयता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या कर देता था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, सही गलत के सामने, सही के सामने सही व गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कि जो सही है उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है, जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। अब पहला है कै, राजा प्रसेनचित अंगुलीमाल डाकू का नाम लेकर महात्मा बुद्ध को डराना चाहते थे। भी जो प्रसेनचित महाराज थे यानी कौशल के जो महाराज थे, कौशल के महाराज प्रसेनचित महात्मा बुद्ध को डराना चाहते थे, नहीं वो तो डराने, वो तो खुद डरे हुए थे, इसलिए पहला गलत है। महात्मा बुद्ध ने उनसे खुद चलाकर पूछा था कि आप ऐसे इतने उदास कैसे हो, आप महाराज उदास और चिंतित कैसे हो। तब प्रसेनचित महाराज ने बताया कि हमारे राज्य में एक भयंकर डाकू है जिसने घोर आतंक मचा रखा है, ठीक है। तो उसने पूछा, तो पहला गलत हो गया, राजा प्रसेनचित अंगुलीमाल डाकू का नाम लेकर महात्मा बुद्ध को डराना चाहते थे, तो ये गलत है, पहला कथन गलत, पहला में क्रॉस का चिन्ह लगाना आपने। दूसरा है, साधुओं संतों की संगति से बड़े बड़े डाकू भी महात्मा बन जाते हैं। साधु संत यानी अच्छे लोगों की संगति से बड़े बड़े डाकू भी महात्मा, ये भी सही है, ये कथन सही है, इसके सामने सही का कथन आएगा। महात्मा बुद्ध की निडरता और उनके वचनों की मधुरता ने डाकू अंगुलीमाल का हृदय बदल डाला, बिल्कुल बदल डाला। महात्मा बुद्ध की निडरता, बिल्कुल निडर थे, वो जंगल में जा रहे थे तो उसने पीछे से डाकू ने आवाज़ बहुत बार दी कि ठहर जा, रुक जा, तू मुझे जानता नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह से डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वो होता है, तो इसका सही है। अंगुलीमाल को सुधारने के लिए महात्मा बुद्ध वन में उनसे मिलने गए थे, ये गलत है, मिलने का निश्चय किया था, सुधारने के लिए नहीं था, महात्मा बुद्ध ने वन में उनसे मिलने गए थे, ये इस तरह से होगा, ये गलत है कथन। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही और चौथा गलत। तो प्रिय बच्चों,
आज हमने इस लेसन नंबर 4 के मौखिक उच्चारण में पहला और दूसरा, लिखित में पहला दूसरा और तीसरे तक सही कथन पर, सही तक गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाए, यहाँ तक हमने क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न कर लिए हैं। नेक्स्ट के जो बचे हुए अभ्यास प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।